चंपावत में पिछले दिनों अमोड़ी क्षेत्र से नाबालिग छात्रा का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस द्वारा दो आरोपी बुधवार को ही गिरफ्तार कर लिए गए थे और एक आरोपी फरार हो गया था, जहां अब तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार को पुलिस ने चेकिंग के दौरान चलती क्षेत्र में नाबालिग छात्रा का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के तीसरे आरोपी योगेश थौल को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं बुधवार को पुलिस ने संजय भट्ट और मुख्य आरोपी रविंद्र उर्फ रवीश निवासी कोट अमोड़ी को घटना के कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बताया कि नाबालिग के भाई ने तहरीर देकर बताया कि आरोपी संजय, रविंद्र और योगेश ने उसकी बहन को बहला फुसला कर घर से बुलाकर जबरदस्ती अपने कैंटर में बैठाया और छेड़छाड़ की। सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए नाबालिग के भाई की तहरीर के आधार पर धारा 137(2), 127(2) और 142 BNS के तहत अभियोग पंजीकृत किया। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।